तो हेलो गाइस, जी टी ए 5 के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो आज हम खेलने जा रहे हैं जी टी ए 5। तो गाइस, फ्रैंकलिन आज एक न्यू घर लेने वाला है जो कि रॉकफोर्ड हिल्स के पास है, मतलब लेने नहीं वाला है, उसको बनवाने के लिए अपना आज काम शुरू करवाने वाला है। तो उसी के लिए चलते हैं आज उसके पैसा देने के लिए। और वहाँ पर दो बंदे आए हुए भी हैं और वो दोनों को मतलब पैसा देना है, करीब 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 11 लाख डॉलर का है वो पूरा घर बनेगा। तो वहीं पे चलते हैं और चल के उसको पहले पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो काम स्टार्ट कर देगा। वो तो बोला है कि काम तो 2 से 3 दिन में वो काम ख़त्म कर देगा, उसके बाद एक न्यू एपिसोड आ जाएगा जो कि जिसमें घर तैयार होगा, वो आपको मैं घर का रिव्यू दे दूंगा। देखो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और ये देखो गाइस, ये दोनों बंदे खड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों का ये कार भी है, मतलब कार पार्क कर लेता हूँ अच्छे से। हेलो भाई, कैसे हो? अरे ये तो फ़ोन पे बात कर रहा है। तो चलो गाइस, ये बात हो गया इससे अभी। ये बोल रहा है कि ठीक है, तुम अभी पैसा लेकर आ जाओ, उसके बाद हम काम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बोला कि ठीक है। और ये कौन दो बंदे बैठे हुए हैं? ये शायद ऐसे ही कोई है, इन लोगों के ही वर्कर हो सकते हैं शायद। ये देखो, ये टेबल वेबल भी लोग रख दिया है, कुछ मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग करने के लिए, मतलब समझ रहे हो आप। और ये देखो गाइस, ये सीढ़ी है अभी, मतलब ये पूरा तैयार नहीं है, मतलब ये पहले से ही ऐसा था, टूटा फूटा टाइप का घर है। इसको अच्छा से रेनोवेशन करके मतलब बनाना है। और ये पूरा लकड़ी वकड़ी का ही घर है। ये देखो गाइस, ये एक रूम हो गया, ये फिर दूसरा रूम हो गया, और ये कुछ बालकनी टाइप का बनेगा, और ये भी एक रूम जैसा ही है। इसमें इसमें बाड़ बनेगा शायद मेरे समझ से, और फिर इसके अंदर अंडरग्राउंड टाइप में सीढ़ी टाइप का है जो कि इधर पूल के पास जाएगा। एक यहाँ पे झरना टाइप का भी बनेगा साइड में, यहाँ पे गाइस सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक झरना पड़ेगा और यहाँ पे एक पूल टाइप का बनेगा जिसमें पानी भरा जाएगा और उसमें फ्रैंकलिन नहाएगा। और ये सब वैसे ही अभी मिट्टी विट्टी का है, अभी तो घर बना भी नहीं है इसी कारण, वह तो सब बन जाएगा। तो अब चलते हैं सीधे, अब पैसा निकालने एटीएम से। एटीएम से पैसा निकाल कर इनको पैसा देते हैं तो जल्दी से लोग काम शुरू कर देंगे। तो चलो भाई चलते हैं, कार को पहले सीधा कर लेते हैं। हो जा सीधा भाई, हो जा हो जा। अरे अरे लगियो मत भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो चलो गाइस, कार निकल गया, अब पहले मैप में लगा लेता हूँ। बस यहीं यहीं कहीं पे है शायद, हाँ यहीं पे। और अब चलते हैं बस, जल्दी से पहले उसको पैसा निकाल कर दे देते हैं, फिर वो काम स्टार्ट कर देगा। वैसे एटीएम थोड़ा दूर है, लेकिन बस अब पहुँच ही गए हम लोग। तो यहाँ सामने पार्किंग में ही पार्क कर देता हूँ कार को, बस बगल में ही एटीएम है। बस फ्रैंकलिन पार्क कर दे, चलो चलते हैं गाइस। अब देखो गाइस, यहाँ पे इतना पैसा था जिसमें से अब बचा, हम लोग ये 11 लाख डॉलर निकालने हैं उसमें से जितना पैसा था। और अब पैसे को हम लोग बैगों में रख लिए और अब चलते हैं डायरेक्ट उसको जाकर पैसा दे देते हैं। जल्दी भगा ले फ्रैंकलिन, जल्दी। से हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है और फिर यहाँ से राइट से, मतलब ये जगह बहुत अच्छा खासा है, एकदम सिटी के बीच में ही है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है ज़्यादा, मतलब दूर भी लेना ठीक नहीं था घर तो। और अब हम लोग के पास दो दो तीन तीन गाड़ी भी हो गया, तो उसको रखने के लिए भी पार्किंग चाहिए, यहाँ पे सामने में ही तो पार्किंग बन जाएगा। तो पैसा दे देते हैं इसको। तो चलो गाइस, पैसा दे दिए हम लोग इसको और ये बोला कि चलो अब आप जा सकते हो, कोई नहीं, हम कार वार मतलब कार ये अपना कार हटा लेगा और एक और दूसरा आदमी आकर और वही मतलब पूरा काम वाम देखेगा, और जितना भी वर्कर ये सब है वो लोग भी अब कुछ ही देर में आ जाएंगे।
आगे पूरा काम स्टार्ट कर देंगे। तो अब चलते हैं हम लोग सीधे अपने घर पे। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब मतलब एक बार शाम को थोड़ा आकर देख लेंगे कि मतलब क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। और अब चलते हैं सीधे घर पे, जाकर सो जाते हैं। हट जा भाई, हट जा, हट जा। एक तो भाई हॉर्न देने पर बंदे यहाँ से हटते भी नहीं हैं, जैसे लगता है इन लोगों का ही घर है सारा। चलो अब चल के सो जाते हैं पहले। ओ भाई ये कहाँ पहुँच गया, बेडरूम में जाना था भाई, बाथरूम में थोड़ी ना सोएगा। तो चलो भाई जब यहाँ पे सो लेते हैं, अब सीधे शाम को उठते हैं। तो चलो भाई शाम हो गया और फ्रैंकलिन ने भी कपड़ा बदल लिया। अब चलते हैं सीधे वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या काम शुरू हुआ। तो चलो भाई फ्रैंकलिन जल्दी से कार में बैठ जाओ। यहाँ से हाँ राइट मुड़ना है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे क्या हुआ भाई, डस्टबिन पूरा पलट दिया। कोई नहीं, चलते रहता है भाई। ओ भाई काम पूरा स्टार्ट हो गया है, गाड़ी उड़ी भी आ गया। यहाँ पे भी एक वैन लगा हुआ है। यहाँ पे दो एंट्रेंस है, एक इधर से और एक मतलब तीन एंट्रेंस है, एक उधर से भी एंट्रेंस है। और देखो गाइस यहाँ पे इन लोगों ने सारा पोल पोल भी लगा दिया है लाइट के लिए, और ये लोग शायद पूरा रात काम करेंगे। और देखो गाइस यहाँ पे एक मिक्सचर वाला ट्रक भी खड़ा हुआ है, जिससे सीमेंट भी पेंट निकलता है, जिससे पूरा इसका कंप्लीट कंप्लीट होगा, मतलब वही काम होगा। तो चलो इनसे पहले बात कर लेते हैं। A few moments later. तो चलो गाइस इनसे बात हो गया। ये बोल रहा है कि आज मतलब वही दो तीन दिन में काम पूरा हो जाएगा, और दो तीन दिन पूरा रात दिन पूरा काम चलेगा। और यहाँ पे कुछ मैनेजर टाइप का है जो कि देख रहा है कुछ। तू क्यों खड़ा है भाई, कुछ काम कर ले। ये पूरा हथौड़ी हथौड़ी चला रहे हैं सारे। लेकिन लाइट का लोग अच्छा व्यवस्था कर दिया भाई, लाइट ये लोग पूरा अच्छा लगा दिए, नहीं तो हमको लग रहा था रात के लोग काम कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने लाइट लगा दिया। ये मोटा तो पता भी नहीं चल रहा है अंधेरा में। यहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ भी बंदे हैं, यहाँ भी बंदे हैं। वो भाई लाइट तो बहुत तगड़ा ही लगाए हैं लोग। ये ड्रिल का कुछ काम कर रहा है। और नीचे भी हाँ देखो गाइस नीचे भी कितना बड़ा पोल लगा दिया है, जिसमें पूरा लाइट आ रहा है। नीचे चल के अब देखते हैं क्या नीचे काम चल रहा है। तू खड़ा क्यों है भाई, कुछ काम कर ले। अरे बड़े काम छोड़ पड़ कर है ये भी। नहीं नहीं कर रहा है, कर रहा है। यहाँ भी नीचे भी पुल का भी काम चल रहा है। ये भी कुछ हथौड़ा हथौड़ा मार रहा है इसका। तू भी काम कर ले भाई जल्दी से, दो तीन दिन में ही काम पूरा करना है। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, इधर में साइड में जाकर देखते हैं यहाँ क्या काम चल रहा है। अभी शायद लोग पहले आगे वाला काम पूरा करेंगे, उसके बाद पीछे वाला, जैसा भी हो हमने तो पैसा दे दिया है, काम तो इन लोगों को ही करना है। चलते हैं सीधे हम लोग यहाँ से घर में। अब इन लोगों को करने देते हैं काम, क्योंकि ये लोग भी डिस्टर्ब होंगे। अंदर काम चल रहा है इसलिए जाना ठीक भी नहीं है ज़्यादा, खुद के लिए भी सेफ नहीं है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि जिस टाइम फ्रैंकलिन का घर पूरा तैयार हो जाएगा, उस टाइम फिर से मिलते हैं।